सबसे पहले वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू फॉर कांग्रेचुलेशन न्यू वेब सीरीज के लिए। तो सबसे पहले इस वेब सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे, क्या स्पेशल है इसमें? हम तो ये इस शो का नाम है जहानाबाद, और जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, ऑफ लव एंड वॉ, ये इस शहर की कहानी है, जहानाबाद की कहानी है, जहाँ पे कुछ किरदार हैं, काफ़ी सारे किरदार हैं, एक्चुअली कुछ नहीं, काफ़ी सारे किरदार हैं जिनके लाइव्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एक इंसिडेंट की वजह से, और लव और वॉर के बीच में सारे अटक जाते हैं, या फिर उनकी लाइफ की कहानियाँ आगे बढ़ती है बिकॉज ऑफ लव एंड बिकॉज ऑफ वॉर। और ये शो जो है ये 3 फेब को रिलीज़ होने वाली है सोनी लिव पे, तो प्लीज़ देखिएगा और हमें बताइएगा आपको लव फील हुआ या वॉर। ब्यूटीफुल लव एंड ओके। अगर आप दोनों के कैरेक्टर की बात करें तो किस तरीके का कैरेक्टर है आपका, यू नो, नेवर सीन बिफोर वाला है कैरेक्टर, या कुछ बताना चाहेंगे? आई डोंट थिंक ऐसा कोई कैरेक्टर है जो नेवर सीन बिफोर वाला होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मतलब ऐसे पहले भी किसी ने प्ले किए होंगे, बट पॉइंट वो नहीं। आई थिंक मेरे लिए ये एक नई चीज़ थी, और मैं कस्तूरी मिश्रा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि बहुत she's a very free spirited girl, she's very transparent, she's this college student who really believes in everything can be solved with love probably, or she's someone who's all of her solutions in life come from she loves to watch films, and she loves to read books, and all of her dream world say she brings all the solutions to things, and I think she lives in extreme, she's stubborn, and the fact that she's very transparent is something which is very attractive because she's very vulnerable. So that's what my character is in this show. मेरे किरदार का नाम अभिमन्यु सिंह है, वो एक अंग्रेजी सब्जेक्ट की प्रोफेसर है, और वो पटना की पैदाइश है उनकी, और दिल्ली में पढ़ लिख के जहानाबाद आए हैं, और ये कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पे अभिमन्यु सिंह कम्स टू द कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, और वहाँ से जहानाबाद आने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या होता है और सारे किरदारों के साथ वो कैसे जुड़ते हैं उसकी कहानी आप जहानाबाद में देख पाएंगे। ओके, जिस तरीके से ना कैरेक्टर आपने बताया बहुत ही खूबसूरती से कैरेक्टर, तो किस तरीके का प्रिपरेशन लगा है आपको इस कैरेक्टर को निभाने के लिए, क्या कुछ वर्कशॉप हुए, कुछ बताना चाहेंगे? मैंने वर्कशॉप ली थी वहाँ के लैंग्वेज के लिए, और हाउ पीपल स्पीक देयर वो उस उन स्लैंग्स के लिए, तो एक प्रॉपर वर्कशॉप हुई थी मेरी, और उसके अलावा आई थिंक मेरे डायरेक्टर्स बहुत हेल्प किए क्योंकि वो खुद बिहार से हैं, and also I took help from one of my friend's sister because they belong to Bihar, और क्योंकि एक कस्तूरी का कैरेक्टर के लिए मुझे एक लड़की जो वहाँ से हो उससे बात करनी बहुत ज़रूरी थी, तो वो मुझे मिला, तो मैंने ये बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी मेरे कैरेक्टर के लिए। मुझे ऑनेस्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये स्क्रिप्ट लिखा गया है, जिस क्लैरिटी के साथ, जिस सफाई के साथ और जिस सादगी के साथ ये स्क्रिप्ट लिखा गया, उसके बियॉन्ड मुझे किसी और रिसर्च या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। मुझे बस वो स्क्रिप्ट को समझना था, अपने किरदार को समझना था, और राजीव सर जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है और सत्यांशु सर, बोथ ऑफ देम हैव डायरेक्टेड द शो ऑल्सो, उन दोनों के साथ मैं बस कॉन्वर्सेशंस करते रहता था, सवाल पूछते रहता था उनसे बहुत सारे, और जैसे ही सवालों के जवाब मिलते रहे तो अपने आप अभिमन्यु सिंह मेरे सामने सुलझता रहा, और बहुत आसानी से उसे प्ले कर पाया, होपफुली सही किया हो, बट बड़ा मजा आया करते हुए। अच्छा, लोकेशंस की बात करें तो क्या लोकेशन यूज किया गया एंड क्या कुछ आपने एक्सप्लोर किया लोकेशंस पे? हमने खाना पीना एक्सप्लोर किया, चाट और पोहा, और मतलब हमने काफ़ी सारी लोकेशंस पे शूट किया, मोस्टली क्योंकि ये शो पूरा ही रियल लोकेशंस पे शूट हुआ है और आउटडोर शूट हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हमने काफ़ी काम किया, कवर्धा, राजनंदगांव, उसके अलावा हमने महाराष्ट्र में सांगली में शूट किया, भोपाल में शूट किया, तो काफ़ी 3-4 अलग अलग जगहों पे सिटीज़ में ये शूट हुआ, और हमने कोशिश की कि हम वहाँ का खाना एक्सप्लोर कर सकें तो वो करने की कोशिश की। और हम मैं किसी और इंटरव्यू में कह रहा था कि हमें ये मौका भी मिला कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी रॉयल फैमिली के साथ डिनर नहीं किया था। एक बहुत ही वहाँ हम शूट कर रहे थे कवर्धा में, तो कवर्धा के जो राजा और रानी हैं उनके साथ हमने डिनर किया, और हाँ मतलब मेरे लिए भी वो पहला एक्सपीरियंस था एक रॉयल फैमिली के साथ डिनर करना। ओके, सो यू नो कैसा रहा एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ में काम करने का, यू नो? ठीक था, ठीक था, अब हमें सिलेक्ट कर ही लिया था तो करना ही था काम, ठीक था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि एक दूसरे से ज़्यादा बात मत करवाओ, काम कर लेंगे हम फिर घर चले जाएंगे नहीं, बट ऑनेस्टली आई थिंक
हर्षदा हैज बीन वर्किंग एज एन एक्टर काफ़ी टाइम से ना, अभी 6-7 साल तो हो गए होंगे, 8 साल हो गए, तो मेरी तो सीनियर है, तो मैंने बहुत कुछ सीखा इस शो से उनके साथ काम करते वक्त, उनके साथ इसके साथ काम करते वक्त बहुत मजा आया मेरे को, बट नो ऑनेस्टली आई थिंक स्टार्टेड एज़ अ कॉलेज किड, सो मे बी दैट्स व्हाई, बट यू कैन कॉल मी योर सीनियर, कैन आई कॉल यू सीनियर, कम माय सीनियर, इज इट अलाउड, आल्सो बीन वर्किंग, अरे उम्र वाला नहीं यार, तजुर्बा वाला, तजुर्बा वाला, तो मैंने तो जेन्युइनली बहुत कुछ सीखा इनसे, पेशेंट कैसे होते हैं सेट पे, और किस किस मेरी ये एक खामी है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज कर लेता हूँ कभी कभी अपने अप्रोच को, काम के काम को अप्रोच करना किस तरीके से करते हैं, हर्षिता बहुत ही सिंपल तरीके से एक 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 सादगी के साथ अपने किरदार को हमेशा अप्रोच करती है, और वो मैंने कोशिश की है कि उनसे सीखूँ, होपफुली अगले शो में जो भी मैं करूँगा आपको देख के प्राउड हूँ मैं, बिल्कुल मेरी आशीर्वाद आपके साथ है, पर आई डोंट नो अबाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईयर्स डोंट मैटर, बट आई थिंक ऋत्विक, जितना मैंने देखा है ऋत्विक ने इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मे बी हैज़ डन इक्वल और मोर वर्क देन मी, सो मैं अगर इनसे कुछ सीखा है मैंने, तो जिस तरह का किरदार उन्होंने प्ले किया है स्क्रीन पे, अगर मुझे आगे वो कभी करना हो तो आई हैव रियलाइज दैट for that stillness to come across and still the emotions to be felt by people, वो आपको जो अंदर 1000% feel करना पड़ता है, तो I think मुझे शायद अपने next के लिए उतना अंदर feel करना पड़ेगा, so that even if I'm still on the outside, I'm still translating that emotion to my audience. ओके, यू नो शूटिंग के दौरान काफ़ी सारी मेमरीज बनती है, तो कोई मेमरी शेयर करना चाहेंगे, यू नो कि कभी कुछ ऐसे शूट करने उस टाइम पे लगा बहुत ही ज़्यादा सीरियस चीज़ है, पर आज लगता है कि नहीं, बहुत ही मतलब फ़नी सा था वो, कुछ ऐसे कुछ किस्से हुए हैं, सीरियस था तब वो फनी लगा बाद में, यार एक तो वो मैंने हम लोग का वो सीरियस सीन था जिसमें मैं स्कूटर पे जा रही हूँ, लेकिन लोगों ने फनी बना दिया उसको कि ये तो करीना कपूर का 3 इडियट्स का सीन है, बट या उसके बाद मैं भी थोड़ा हंसी थी, मैंने कहा हाँ ऐसा थोड़ा कॉमेडी टाइप तो लग रहा है शायद, किसी ने बोला, पर नहीं, आई मीन वो बहुत सीरियस सीन है और करते भी बड़ा सीरियस ही फील हो रहा था, तो अभी फनी लगता कोई नहीं, फनी बस वो लगता है बिकॉज आई एम जस्ट वेयरिंग लाइक अ सच अ हैवी लहंगा एंड आई एम ऑन द स्कूटर, इफ प्रॉब्ली समथिंग हैपेंस इन रियल लाइफ आई विल मेक श्योर आई एट लीस्ट चेंज एंड गो, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस थे, बट मैं थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा हूँ उन्हें पूरी तरीके से शेयर करने में, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ ऐसे हम एज ए टीम वी टुक अ जर्नी जहाँ पे हमें बहुत सारी मुश्किलें कठिनाइयों को फेस करना पड़ा, बट अभी जब हम बैठ के सोचते उस बारे में तो सिर्फ प्यार भरी यादें ही याद आती हैं, और इन मुश्किलों और कठिनाइयों के हम ऊपर आ चुके हैं, अभी इस वक्त हमें सिर्फ 3 फेब को जहानाबाद रिलीज़ होने वाली है, उस चीज़ की खुशी है। ओके, यू नो हम भी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करें, लेकिन जैसे कि नाम है लव एंड वॉर, तो कुछ एक्शन वगैरह करते हुए दिखाई देंगे आप दोनों? हम तो मुझे तो लगता है कस्तूरी डे 1 से एक्शन ही कर रही है, बहुत एक्शन है उसकी लाइफ में, पर वो इट्स नॉट नेसेसरली वॉर, बट आई थिंक शी इज अ वेरी एक्टिव गर्ल, यू विल सी हर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्शन इन द शो एंड लेजिट एक्शन, जिसके लिए एक्शन मास्टर भी आए थे, तो या मैंने तो बहुत एक्शन किया है, आई डोंट नो अबाउट, नहीं मेरा जो किरदार है अभिमन्यु सिंह वो खुद हाथ से नहीं बात से बात करने में मानता है, तो उसकी फिलॉसफी कुछ ऐसी है, तो नहीं इतना कुछ मतलब मारम पीटी तो नहीं किया हमने, बट कुछ ऐसे बहुत ही प्यारे एक्शन सीक्वेंसेस है जिसके हिस्सा हम दोनों ही रहे, और हम प्रॉब्ली उसमें कुछ वायलेंट कर नहीं रहे या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उस वायलेंस में, बट वी आर अ पार्ट ऑफ दैट वायलेंट सिचुएशन, और ये सारे सीक्वेंस शूट करने में बड़ा मज़ा आया, हम ट्रेलर में भी एक शॉट है जहाँ पर आपको एक एक्सप्लोजन होते हुए दिखेगा, ओहो वो सीमेंट जब नाक में गया था। ओके, अगर आप दोनों की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मिर्ज़ापुर 3 के लिए, यू नो जब से वो हुआ है आपकी बंदिश के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, पार्ट 2 आने वाला है, सो यू नो क्या कहना चाहेंगे इस सीज़न में, क्या कुछ नया देखने मिलेगा एंड कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी शूटिंग पूरी हो गई, तो जब वो
आने वाला होगा तो उसके बारे में हम तब बात कर सकते हैं, और उसके बारे में जो आप पूछना चाहें हम सब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बिकॉज तब हम अलाउड होंगे. फिलहाल तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है, अर्जुन की मछली की आँख की तरह, विच इज़ 3rd February, जिसमें सोनी लिफ्ट पे जहानाबाद आने वाला है. सो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट आई एम रियली हैप्पी टॉकिंग. मुझे तो अलाउड ही नहीं है, मेरे प्रोड्यूसर्स मार देंगे मुझे, मैंने कुछ भी बोल दिया इस वक्त तो. बट 2-3 साल लगा लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखने में, तो बड़े प्यार से बहुत बहुत इत्मीनान से उन्होंने लिखा है, और बहुत प्यार क्या कहते हैं, बहुत ही प्यारी स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने. तो उसमें से एक भी लाइन आपके साथ मैं शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जब शो आएगा पूरी तरीके से आएगा.